हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे CGPSC द्वारा साइंटिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया गया था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कुछ इंडिया GS के भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, उसके आंसर क्या हो सकते हैं। कुछ प्रश्नों के आंसर डाउट है, पर उसको भी हम एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से बनाया जा सकता था और किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह CGPSC द्वारा कंडक्ट कराया गया है। आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों में इस प्रकार के प्रश्न रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करना चाहिए। जैसा कि पहला प्रश्न है कि जसपुर साम्रीपाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जसपुर साम्रीपाट प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ऊपरी क्षेत्र है, जहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से बॉक्साइड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? तो गढ़िया पहाड़ कांकेर में है। कांकेर जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक जिला है, तो गढ़िया पहाड़ इस प्रकार से दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। आमनेर, पिपरिया और मुस्का, इन तीनों नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है? तो खैरागढ़ है। नेक्स्ट है कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 189 है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 23.24%। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग के चट्टानों में मिलता है? कोयला यानी कि गोडवाना जो गड़ा हुआ है कई वर्षों तक वनस्पति, उससे बनता है कोयला, तो गोडवाना आप याद रखेंगे। धारवाड़ यानी कि धारदार हथियारें जो बनती हैं वो लोहा से, और कुड़प्पा, कड़प्पा ने चूना लगाया था इसलिए चूना पत्थर कड़प्पा से, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कई बार एग्जामों में जरूर पूछा गया है। मिनी माता जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो मिनी माता को हसदो परियोजना के नाम से हम जानते हैं, और 120 मेगावाट अर्थात 120 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वहाँ पर है, जिसकी 2 यूनिट लगाई गई हैं, सॉरी 3 यूनिट लगाई गई हैं, 40 से 120 का इस प्रकार से 3 मिनट संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ के पुस्तक के लेखक है, इसका राइट ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ी रामायण, मनु लाल यदु। मोला गुरु बनाई लेते छत्तीसगढ़ प्रहसन किसकी रचना है? मोला गुरु बनाई लेते नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है, तो नरेंद्र देव वर्मा जी का है। छेरछेरा कब मनाया जाता है? तो पौष माह की पूर्णिमा को छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बाणावरद से प्राप्त हुए हैं। जनश्रुतियों के अनुसार रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं को सही संबंध जोड़े लवकुश का जन्म हुआ तुरतुरिया नामक स्थान पर, और लोमस ऋषि सीतामढ़ी, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ए का आपका हो जाएगा बी का 3, यानी कि श्री राम रामाराम भूदेवी की पूजा, और यहाँ पर दिया है सी का लोमस ऋषि आश्रम सीतामढ़ी, अत्रि मुनि का आश्रम है, सूर्य अत्रि मुनि का आश्रम है सीतामढ़ी, और लोमस ऋषि राजम में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी कालीन निम्नलिखित में कौन सा मंदिर स्थापित 13वीं शताब्दी का है? गौरविजय, इस प्रकार से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में मल्हर में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक किसी के प्राप्त नहीं हुए हैं? अपिलक। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में 1 मन तोला का वजन होता है 8 पसेरी। ब्रिटिश कालीन रियासतों और उन पर शासन करने वाले वंशों को सुमिलित कीजिए, कांकेर में सोमवंश, खैरागढ़ नागवंश, सरगुजा में रक्सेल वंश, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सॉरी सी ऑप्शन नहीं, सरगुजा का आपका दिया गया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है।
भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1944 को रायपुर में जुलूस प्रारंभ किया गया था गांधी चौक। ब्रिटिश शासनकाल में रायपुर जिले के वोटियाओं को माल गुजार कहा गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, तो इसका थोड़ा सा डाउट है, इसे आने पर ही देखा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, कमार विकास प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर भी है, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर में भी है। छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2004 में किया गया था। छत्तीसगढ़ में 1910 तक की घटनाओं अथवा संस्थाओं उनके वर्ष सम्मिलित कीजिए, तो समित्र मंडल की स्थापना 1906 में हुआ था और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1907 में। यहाँ पर बी का 3 अगर आप मिलान कर चुके होते तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन इसका करेक्ट होता, और सी का सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 था, इसका राइट याद रखेंगे। और डी का 1 होगा, माधव राव सप्रे की गिरफ्तारी 1908 में किया गया था, याद रखेंगे। और मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद तृतीय अधिवेशन ए का आप याद रखेंगे 2, यानी कि 1907 में हुआ था मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद तृतीय अधिवेशन का। इस प्रकार से सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 2019-24 के अनुसार मेगा प्रोजेक्ट के तहत निश्चित पूंजी राशि है 5000 करोड़ से 10000 करोड़। इस प्रकार से विगत किस वर्ष 2011-12 से 2020-21 के दौरान जिस डी पी में माध्यमिक क्षेत्र उद्योग का प्रतिशत योगदान सबसे अधिक रहा, 19-20 में 21-22 में संशोधित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल देनदारी कुल राजस्व का है 202%, यहाँ पर लिखा गया है। और नवीनतम आंकड़न के अनुसार इसका थोड़ा डाउट है, छत्तीसगढ़ कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार आकार के आधार पर परिजात जोत को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 प्रकार से बांटा गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ की मनरेगा के सर्व बजट में 2,22,00,000 मानव दिवस की वृद्धि की स्वीकृति के बाद मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021 रोजगार सृजन का नया लक्ष्य रखा गया है। तो इसका भी ऑप्शन ये ऑप्शन 15 करोड़ मानव दिवस। मेगास्थनीज में इंडिका के चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी बताया गया है। मेगास्थनीज तो पाटलिपुत्र होगा इसका। हाथी गुफा लेख किस राजा का वर्णन है? तो खारवेल राजा का वर्णन है। मौर्य काल में लक्ष्मण अध्यक्ष का क्या कार्य होता था? डाउट है। अभिधम्म पिटक में किसका वर्णन है? द्वितीय बौद्ध संगति का वर्णन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धर्म और संघ है। गुप्त काल में अधिष्ठान क्या है? रिकॉर्ड रखने का अधिकारी। 1857 की क्रांति कुंवर सिंह बिहार, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी और मौलवी अहमदुल्ला दिल्ली से है, ठीक है। कुंवर सिंह का आप बिहार ए का 2 यहाँ पर मिलान कर चुके होते, बी का 3 मोहम्मद अब्दुल्ला फैजाबाद, मंगल पांडे बैरकपुर छावी से उनका हुआ था, तो मंगल पांडे का आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, याद रखेंगे। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, मंगल पांडे बैरकपुर, जीनत महल दिल्ली और कुंवर सिंह बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया? गुजरात से। वायसराय अशोक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और उस समय थे असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। चेम्सफोर्ड 1907 से 1900 तक थे। इरविन किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन? लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। मिंटो द्वितीय, इसमें मिंटो द्वितीय आएगा, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज का संकल्प हुआ। कराची अधिवेशन, मौलिक अधिकारों का अंगीकार हुआ। इस प्रकार से आप इसे भी मिला सकते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज, बी का 3 है, और कराची अधिवेशन सी का IV, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कराची के जो था पूर्ण लोकतंत्र 1937, किस संकल्प का प्रारंभ केवल राज्यसभा में हो सकता है? उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युति संकल्प, सही क्या है इसमें? तो 2 और इसमें 4 सही है। संविधान प्रत्येक नागरिक की विधि के समक्ष समानता का अधिकार उपबंधित करता है, और संविधान प्रत्येक नागरिक को कानून का समान संरक्षण का अधिकार उपबंधित करता है।
जब एक विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुशंसा करता है। सही क्या है? संसद कानून के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है या कानून संशोधन के रूप में संविधान के एक भाग बन जाता है? दूसरा गलत है, पहला सही है। कौन सा पदनाम सही है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, वन थ्री। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी और अबोर और मिसी सभी पहाड़ियाँ उपस्थित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ किस राज्य का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है? घनत्व की बात की जा रही है, राष्ट्रीय घनत्व कितना है आप सभी लोग जानते ही होंगे। इस प्रकार से ए ऑप्शन इसमें सही है, असम का घनत्व कम है। भारत के आर्थिक और सामाजिक महत्व मुर्गे की गर्दन वाला यह भाग कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी क्षेत्र को मुर्गे की गर्दन के समान दिखता है तो उसे ही कहा जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत के किस हिस्से के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 जारी किया है? महत्वपूर्ण चाय उत्पादन एक क्षेत्र सुरमा, सुरमा कहाँ है? असम में। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हमने देखा है, कुछ प्रश्नों में डाउट थे उनका सही इसका मॉडल आंसर आने पर फिर से अपलोड करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।